Assalamu alaikum. Welcome to the online lecture on topic 3, which is bolts and power screws. Hum log ek naya topic start kar rahe hain. And the first two topics that we have covered, the first one was on design and the second one was on material selection. Main kuch handouts aap logon ke liye upload karne wala hun, which deal with some additional load cases for material selection. Theek hai, usko go through karna hai aapne, and that would be a reading assignment. So let's see kya hamare objectives hain. So we have four objectives in this particular topic. The first one deals with the standards that are available to us, jo ke different sizing karte hain bolts ki. And the second one is related to power screws. These power screws are different types of structure jo ke mainly power transmission or displacement control ke liye jo screws use hote hain unka deal karenge hum. Third, we need to calculate and the stresses in threads and body of the screws, or phir any stresses ko use karte hue we need to analyze bolted joints. Theek hai, so these are the four objectives. The topic itself is fairly large aur hame time lagega is topic ko complete karne mein, so it may take us a few weeks to complete this. So let's begin. The first lecture is on nomenclature and standards, so very little maths in this particular टॉपिक. दैट इज़ वाई आई प्रेफर्ड कि मैं इसको एक ऑनलाइन लेक्चर के फॉर्म में दे दूँ. और हम लोगों ने इसमें जितनी बिल्कुल माइनर सी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो आएगी दैट वी कैन डील विद, कुछ साइजिंग के लिए ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्ड होती है, दैट वी कैन डील विद इन दिस ऑनलाइन लेक्चर. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले कुछ नॉमन क्लेचर है, देर आर फ्यू बेसिक डेफिनेशंस कुछ साइजेस की विच वी नीड टू नो वेन वी आर डीलिंग विद बोर्ड्स. सबसे पहली डेफिनेशन जो है that is pitch. Now pitch is the distance between two adjacent threads. So koi se bhi do threads le le aap, unke beech ka jo distance hoga, this thing is called pitch. And it is same for any two adjacent threads. Theek hai na? To aap jo bhi bolts aur nuts define karte hain iske andar pitch is one of the parameters jo ke control kar rahi hoti hain puri shape ko. ठीक है, तो पिच इज वन ऑफ द पैरामीटर्स जिसको बता के आप बोल्ट्स परचेज करते हैं. ठीक है, बिसाइड्स द पिच देयर आर थ्री डिफरेंट डायमीटर्स जो कि हम डील कर रहे हैं, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, दो मेजर और माइनर. मेजर डायमीटर इज द लार्जेस्ट डायमीटर इन द बोल्ट. तो अगर मैं बोल्ट के बिल्कुल आउटर सर्फेसिस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर कैलकुलेट कर लूँ, दिस इज द मेजर डायमीटर. मेजर डायमीटर को हम लोग कई दफ़ा जस्ट एज अ स्मॉल डी कहते हैं, दिस इज व्हाट द बुक सेज. और कुछ स्कीमेटिक्स जो मैं आप लोगों को यूज करूंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, उसके अंदर दिस इज रेफर्ड टू एज डी मेजर. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव. देयर इज सम आर्टिफैक्ट्स कमिंग अप, इसको प्लीज इग्नोर इट. सो लेट मी क्लीन दिस अप. और जो माइनर डायमीटर है इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ दिस, सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर. तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमीटर मेजर करेंगे तो दिस इज़ द माइनर डायमीटर. इसको समटाइम्स वी ऑल्सो रेफर टू दिस एज द रूट डायमीटर, तो वी नेम इट एज डी आर और डी मिनिमम. ठीक है, तो दोनों चीज़ें कह सकते हैं डिपेंडिंग के किस जगह से आप फॉर्मूले और स्कीमेटिक्स पिक करें, बुक के अंदर डी और डी आर यूज होता है. द फाइनल वन द पिच डायमीटर इज स्लाइटली मोर डिफरेंट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट. इसके लिए हमें एक अच्छी स्कीमेटिक की जरूरत पड़ेगी जो थ्रेड की क्लोजअप इमेज हो, वो एक आगे एक दो स्लाइड्स के बाद आएगी. तो व्हेन वी गेट देयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन के पिच डायमीटर क्या होता है. तो राइट नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड. एक और हमारे पास डेफिनेशन है विच वी नीड टू नो विच इज कॉल्ड लीड. लीड ये होती है कि अगर मैं एक नट को आपके बोल्ट के ऊपर लगा दूं और उसके बाद आई गिव देम अ रिलेटिव रेवोल्यूशन, यानी कि रिवॉल्व कराऊं, एक रेवोल्यूशन दूं दोनों को रिलेटिवली, तो इनके बीच में कितनी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी इन द एक्सियल डायरेक्शन. ठीक है, तो यानी कि अगर मैं नट को बोल्ट के ऊपर एक रेवोल्यूशन देता हूँ तो नट कितना मूव करेगा. तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज लीड. और वी कैन विजुअलाइज इट हेयर. तो उसका सबसे आसान तरीका ये कि जो भी आपके पास अगर नट होता है उसका कोई ना कोई थ्रेड होगा जो यहाँ पे फिट हो रहा होगा. सही है, अब इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई कैन डू, आई कैन
Let me change the color for this one. This blue does not seem to be doing the trick here. So let's change to red and let's try. So if I have स्मॉल बॉल है, ठीक है, और बॉल को मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू मेंटेन इट वर्टिकली अप, तो जब भी वो बॉल जो है इस पर्टिकुलर थ्रेड के अंदर ट्रैप्ड है, तो जब भी अगर मैं अपने बोल्ट को एक रेवोल्यूशन देता हूँ, द थ्रेड मूव्स फॉरवर्ड, जैसे कि ग्राफिक्स में शो हो रहा है, तो द बॉल इज गोइंग टू मूव विद इट, ठीक है. तो ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ रही है ना बॉल की, ये जो मोशन आ रहा है बॉल का, दिस इज नोन एज द लीड, ठीक है. और ये जो इस पर्टिकुलर केस में, बाकी भी दो केसेस हैं, हम इस केस की बात कर रहे हैं, इसमें लीड और पिच बराबर है, ठीक है. बाकी केसेस में ऐसा नहीं है, इस केस में भी नहीं है, इस केस में भी नहीं. तो वी नीड टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, कि ऐसा क्या डिफरेंट हो रहा है, कि दिस दे आर डिफरेंट. तो नेमिंग से शायद कुछ लोगों को अंदाजा हो जाए, बट आई थिंक द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज स्लाइटली न्यू. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज के यू डोंट जस्ट हैव अ सिंगल हेलिक्स. Let's assume that we have a very simple cylinder here. ठीक है, तो इस cylinder के ऊपर what is going to happen is we will have some helix like this. ठीक है, तो ये एक single helix है जो यहाँ पे show रहा है. ठीक, it is possible that instead of just a single helix, what we have is we have multiple हेलिक्सेस. तो उस केस में आपके पास ऐसा हो सकता है कि एक हेलिक्स आपका यहाँ से शुरू हो रहा है. प्लीज़ इग्नोर ये जो एरर्स आ रहे हैं, दिस इज हैपनिंग बिकॉज मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर जो है और मेरा स्टाइलस जो है, दे आर नॉट हैप्पी वर्किंग टुगेदर. ठीक है, तो इसको मैं साथ साथ ठीक करता रहूँगा. राइट, तो वन इज गोइंग लाइक दिस एंड द नेक्स्ट वन स्टार्ट्स हेयर and it goes like this. ठीक है, तो ये दो different आपके पास helixes हैं जो कि एक same thread के ऊपर move कर रहे हैं. अब इस केस में what is going to happen? So if we again take a ball and we place the ball in one of the threads, यहाँ पर मैं दबा दूँ उस ball को, यहाँ पर रख दूँ and I try to मेक श्योर कि बॉल जो है हमेशा वर्टिकल पोजिशन में रहेगी. तो जब ये बोल्ट एक रेवोल्यूशन कम्प्लीट करेगा, तो ये बोल्ट की अगली पोजिशन क्या है? बोल्ट की अगली पोजिशन ये ग्रीन वाली नहीं है, बोल्ट की अगली पोजिशन इज द ब्लू वन राइट हेयर एक रेवोल्यूशन के बाद, राइट. तो दिस इज द लीड. पिच की डेफिनेशन इज स्टिल द सेम. तो पिच इज स्टिल द सेम. पिच इज स्टिल द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट थ्रेड्स. सही है, तो पिच इज नाउ हाफ the lead. तो formula जो निकल के आ रहा है, the formula is that lead is equals to pitch times the number of threads. Similarly, अगर मेरे पास four threads होंगे, तो in this case मेरे जो lead होगी वो four times the pitch होगी. तो if I have a ball placed here, it is going to after one revolution, it is going to be placed in this position here. ठीक, pitch is still the same. Pitch is still the same. तो the pitch is the distance between two adjacent threads. सही हो गया, होपफुली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. वी हैव इन दिस स्लाइड द टू मेजर स्टैंडर्ड्स ऑफ थ्रेड्स दैट आर बीइंग यूज्ड करंटली. ठीक, अमेरिका के अंदर द स्टैंडर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड इज द अमेरिकन नेशनल और द यूनिफाइड नेशनल स्टैंडर्ड. ठीक है, और इसमें दो सीरीज़ होती हैं, वी नीड टू टॉक अबाउट देम कि यूएन और यूएनआर का क्या डिफरेंस है. अब बाकी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, हमारे यहाँ एशिया में, पाकिस्तान में, द थ्रेड्स द बोर्ड्स दैट आर अवेलेबल फॉलो द मेट्रिक थ्रेड स्टैंडर्ड. इसमें भी दो सीरीज़ हैं, एम और एम जे, एंड वी स्टिल नीड टू टॉक अबाउट कि एम और एम जे में क्या फ़र्क है और यूएन और यूएनआर में क्या फ़र्क है. दिस समथिंग इज़ रिटन हियर. ठीक है, कि जो नॉर्मल थ्रेड होता है उसमें से डिफरेंस यूएनआर में ये हो रहा है और एम जे में ये हो रहा है कि रूट रेडियस डिफरेंट है. तो इसके लिए अगली स्लाइड के अंदर कुछ स्कीमेटिक्स आ रही हैं दैट आर गोइंग टू हेल्प अस डिफाइन दिस वेरी वेल. तो लेट्स कम टू दिस स्लाइड. ठीक, तो अब इस स्लाइड के अंदर हमें एम और यू एन, यानी कि एक नॉर्मल थ्रेड प्रोफाइल भी शो हुई हुई है और एम जे और यू एन आर प्रोफाइल भी शो हुई हुई है यहाँ पे. ठीक है, और वी सेड प्रीवियसली कि दिस
दीज आर द वंस जिनके अंदर रूट रेडियस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. अब फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन कि रूट का क्या मतलब है. तो अगर आपके पास कोई भी थ्रेड है, इट इज लाइक दिस, तो जो ये पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड द रूट. ठीक है, दिस इज द रूट. अब इट कैन बी फ्लैट, और जो आपके नॉर्मल एम सीरीज थ्रेड्स होते हैं और यू एन सीरीज थ्रेड्स होते हैं, इसके अंदर दिस इज फ्लैट लाइक दिस एंड लाइक दिस. ठीक है, और जो एम जे और यू एन आर सीरीज के थ्रेड्स होते हैं उनके अंदर द रूट इज एक्चुअली राउंडेड. अब यू नीड टू रिमेंबर कि देर आर टू डिफरेंट थ्रेड्स दैट आर मीटिंग हेयर. तो देर इज अनदर थ्रेड विच वुड कम एंड फिट इन साइड हेयर. तो हम इसको फ्लैट नहीं कर रहे, हम इस वाले को कर रहे हैं. तो लेट मी क्लीन दिस, एंड वॉट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट दिस थिंग इज एक्चुअली राउंडेड. लेट्स री डू दिस. इट इज राउंडेड लाइक दिस, और इसको राउंड होना जरूरी नहीं है. ठीक है, तो दिस इज द एम जे एंड यू एन आर प्रोफाइल. तो ये डिफरेंस होता है. अब इस साइड के अंदर व्हाट यू आल्सो सी इज दैट ऑल द डायमेंशंस, चाहे वो आप एम जे या यू एन आर प्रोफाइल हो या एम या यू एन प्रोफाइल हो, द डायमेंशंस आर वेरी लॉक्ड. सिर्फ दो पैरामीटर्स की फॉर्म में आपके पास सारी डायमेंशंस मेंशनड हैं. एक है पी पिच, और h इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. जहाँ अगर मैं ट्राइंगुलर थ्रेड्स ले रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है, तो इन दिस केस द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टिप ऑफ द ट्राइंगल टू दिस टिप ऑफ द ट्राइंगल, दिस इज द हाइट h. अब इस पॉइंट पे आके वी कैन एक्चुअली डिफाइन आवर पिच डायमीटर, जो हमने पीछे की एक स्लाइड के अंदर इग्नोर किया था. ठीक है, तो दिस थिंग इज बेसिकली व्हाट दिस इज कि हमने जो भी अपना हाइट एच ली है, तो इसके अंदर दो हमारे पास डायमीटर्स निकल के आ रहे हैं. एक तो हमारे पास एक रूट का डायमीटर है जो इस फ्लैट सरफेस का डायमीटर होगा, और एक हमारे पास मेजर डायमीटर है जो कि ये कैप स्मॉल डी है, और ये हमारे हाई जो पीक है इसका डायमीटर है, राइट. तो अब डी पी जो है, डी पी इज नॉट द एवरेज ऑफ these two. तो अगर मैं डी पी बनाना चाहूँ तो डी पी इज नॉट गोइंग टू बी द एवरेज ऑफ दीज टू. डी पी इज नॉट इक्वल्स टू डी प्लस डी आर डिवाइड बाई टू. सही हो गया. डी पी इज इन फैक्ट द एवरेज ऑफ द मेजर डायमीटर ऑफ दिस टिप. यानी कि अगर मैं इस टिप को डायमीटर से डिफाइन कर दूँ, लेट अस कॉल दिस डी वन, और अगर मैं इसके डायमीटर को डिफाइन कर दूँ एज डी टू, देन डी पी इज इक्वल्स टू डी वन प्लस डी टू डिवाइड बाई टू. ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है. अच्छा, डी वन और डी टू इज नॉट नोन टू अस, वी डोंट नीड इट. हम लोग मेनली जब भी साइजिंग कर रहे होते हैं, वी आर कंसर्न विद डी आर D and DP only. We don't worry about this D1 and D2. इसीलिए इस फिगर के अंदर ये मैंशन भी नहीं है. बट जो पिच डायमीटर है, ये एक्चुअली ट्राइंगल्स की जो पीक्स हैं उनका सेंटर पॉइंट है. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस. इसीलिए मुझे इसकी स्कीमेटिक की ज़रूरत थी. ठीक है, तो हम सिर्फ D और DR से नहीं निकाल सकते. देर आर अदर वेज वी कैन कैलकुलेट इट, एंड वी आर गोइंग टू डू दिस इन स्लाइड कमिंग इन कमिंग स्लाइड. ठीक है, बाकी इसके अंदर एक और चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, दैट इज दिस एंगल हेयर. ठीक है, कोई भी दो थ्रेड्स हैं उनके बीच में जो एंगल है, हमारे थ्रेड के स्टैंडर्ड्स जो हैं दीज टू, यह हमारा ISO स्टैंडर्ड है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, यू कैन गूगल देम, ये आपके जो ये प्रोफाइल्स ही निकल के आ जाएंगी. दिस एंगल हेयर इज ऑलवेज 60 डिग्रीज. ठीक है, ये एंगल हमेशा हम 60 डिग्रीज लेते हैं, दैट द स्टैंडर्ड डिफाइंस इज सो. सही, बट जब हम पावर स्क्रूज के ऊपर आएंगे, वी आर गोइंग टू रियलाइज दैट फॉर पावर स्क्रूज, फॉर पावर ट्रांसमिशन, दिस एंगल एक्चुअली नीड्स टू बी स्मॉलर. जितना छोटा एंगल होगा उतना एफिशिएंट होगा आपका पावर स्क्रू. तो देयर वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट. और लेकिन हम उसके बारे में जब बात करेंगे, व्हेन वी गेट टू दैट पॉइंट. चाहिए, अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड के लिए जो हमारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द फैक्ट कि आपकी जो पूरी प्रोफाइल है, इट इज़ वेरी वेरी वेल डिफाइंड. अगर मैं ये देखूं कि मैं अगर ये ट्राइंगल है, एंड द ट्राइंगल की एक
बेस जो है पी है और हाइट एच है एंड द एंगल इज 60 डिग्रीज, देन वी कैन ऑल्सो रिलेट पी टू एच. तो असेंशियली हमारा पूरा जो पूरी डायमेंशन है, सारी डायमेंशन है, वो सिर्फ एक पैरामीटर पी के ऊपर डिपेंड कर रही है. सही. प्लस अगर मैं इसके साथ में डी भी डिफाइन कर दूँ तो डी के रिस्पेक्ट से आई कैन फाइंड आउट डी पी एंड डी आर एंड वी आर गोइंग टू डू दिस इन इन स्लाइड इन अ कमिंग स्लाइड. सही है. सो लेट्स सी. तो अब मैं हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि हाउ वी एक्चुअली कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ अ बोल्ट. हम जब भी बोल्ट परचेज करने जाते हैं, जब भी आप बोल्ट के स्टैंडर्ड्स चेक करेंगे, व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इज दैट द स्टैंडर्ड्स ओनली स्पेसिफाई द मेजर डायमीटर स्मॉल डी एंड द पिच पी. ठीक है. तो जो जो बातें लिखी हुई हैं, दिस दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. तो मेजर डायमीटर आपको पता होगा, पिच पता होगी, एनीथिंग एल्स यू नीड टू कैलकुलेट. तो आपका माइनर डायमीटर डी आर रूट डायमीटर और पिच डायमीटर डी पी नीड्स टू बी कैलकुलेटेड. ठीक है. उसको कैलकुलेट करना बिल्कुल बहुत आसान है. तो दिस स्कीमेटिक विल हेल्प अस. ठीक है. और इस स्कीमेटिक के लिए वट वी नीड टू एक्चुअली सी इज दैट कि हमारे पास इसके अंदर सारी डायमेंशन स्पेसिफाइड है. कुछ चीज़ें हमें रीअरेंज करने की जरूरत है. ये विकीपीडिया की स्कीमेटिक है, इसलिए इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी हमें बुक से डिफरेंट है. तो हमारी बुक में डी मेजर इज सिंपली डी एंड डी पी इज स्मॉल डी पी एंड डी माइनर इज डी आर. सही. तो सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी एवरीथिंग इज द सेम. अब हम अगर इसको डी से डी आर निकालना चाह रहे हैं तो वॉट वी कैन डू, द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज वी नीड टू रिलेट पी एंड एच. इसको हमें रिलेट करने की जरूरत है. उसके लिए हमें ये ट्राइंगल यहाँ पे एक बन रहा है, इस ट्राइंगल को देखते हैं कि ट्राइंगल क्या कह रहा है. तो इफ वी एक्सटेंड दिस साइड हेयर एंड एक्सटेंड दिस साइड हेयर, तो दिस इज हाइट एच एंड दिस ट्राइंगुलर साइड दिस बेस इज हाफ ऑफ पी, तो दिस इज पी बाई टू. सही हो गया. और ये एंगल भी 60 का हाफ हो गया, तो दिस एंगल इज 30 डिग्रीज. लेट मी क्लीन दिस अप. दिस एंगल इज, दिस एंगल इज 30 डिग्री. सही हो गया. तो अब लेट्स सी के हाउ वी कैन रिलेट दिस. हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के में जो एंगल होता है उसके साथ वाली साइड बेस होती है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है. तो मैं अगर टेंजेंट 30 निकालूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बिकम्स पी बाई टू डिवाइडेड बाई एच. तो इफ आई ट्राई टू डू दिस, सो लेट मी डू दिस ऑन द साइड. इधर मैं अपना कुछ और लिखना चाहूँगा तो कर लूँगा. टेंजेंट 30 इज इक्वल्स टू पी बाई टू डिवाइडेड बाई एच. P by 2 upon H क्यों किया, because P by 2 is the perpendicular and H is the base. सही हो गया. तो if I try to find H as a function of P, then H is equals to P divided by 2 times 1 divided by tangent 30. सही है. अब हमारे पास ये निकल के आ गया, अब H हमें पता चल गया. अब नाउ वी नीड टू समहाउ रिलेट डी टू दिस डी आर. अब ये हमारी स्कीमेटिक में ऑलरेडी डिफरेंस वेल डिफाइंड है. तो डिफरेंस, तो द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज मेंशनड हियर. तो दिस इज द डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, 5h/8. अब इसमें जो चीज़ आपको ख्याल करनी है कि ये डिस्टेंस सिर्फ बोल्ट के एक साइड के ऊपर हो रहा है. तो आपका जो भी बोल्ट होगा उसके अंदर थ्रेड्स दोनों साइड के ऊपर ड्रॉन होते हैं, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. तो द डायमीटर, द मेजर डायमीटर डी इज एक्चुअली दिस डायमीटर. हम जिस चीज की बात कर रहे हैं डिफरेंस की, वो हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. फ्रॉम द रूट दिस इज डी माइनस डी आर. लेट्स क्लीन दिस अप. डी माइनस डी आर डिवाइडेड बाई टू. क्यों? क्योंकि यही डिस्टेंस इस साइड के ऊपर भी है. तो दिस इज डी आर. सही. तो जब मैं डी में से डी आर माइनस करूंगा तो मेरे पास दोनों साइड पर डिफरेंस आएगा. तो अगर मुझे एक साइड का डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस डी माइनस डी आर डिवाइड बाई टू. तो दिस डी माइनस डी आर डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 5/h. वो मैंने यहाँ पे लिख दिया. आई कैन रिप्लेस माई एच फ्रॉम हेयर. ठीक हो गया. तो इफ आई डू दिस, तो यहाँ पे एक पी बाई टू की टर्म आ रही थी, इधर भी टू था, इधर पी बाई टू से टू और टू कैंसिल हो गया, तो ये टू गया यहाँ से.
जो पी बाई टू का टू था वो भी गायब हो गया, दोनों साइड से वन बाई टू जो थी टर्म खत्म हो गई। जो भी आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है उसको कैलकुलेट कर लें, डी आर को निकालें इन टर्म्स ऑफ डी, तो हम डी आर को दूसरी तरफ ले गए, इस पूरी टर्म को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, तो व्हाट वी एंड अप विद इज डी आर इज इक्वल टू डी माइनस 1.08252 पी। सही हो गया। तो ये हमने ज्योमेट्री से एक रिलेशनशिप निकाल ली। सही। नाउ द समथिंग इज नॉट राइट हेयर। ठीक। अब वो ये है कि बुक के अंदर ये रिलेशनशिप इस तरह स्टेटेड है, दिस इज द बुक। तो अब देर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.144337 पी इन दिस टू। सही। ये क्या है? दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली द मैक्सिमम फिलेट डेप्थ दैट यू कैन प्रोवाइड। ये जो मैक्सिमम डेप्थ आप इधर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसको पी से रिलेट करके एक स्टैंडर्ड के अंदर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम यू कैन गो। इसके इससे कम भी हो सकता है, यानी कि दिस कैन बी जीरो, विच मीन्स कि आप फ्लैट सर्फेस की बात कर रहे हैं, और लेकिन आप सबसे ज़्यादा जो डेप्थ दे सकते हैं दैट इज दिस मच। तो बुक के अंदर जो रिलेशनशिप है वो उन्होंने एक्चुअली एम जे प्रोफाइल्स के लिए, यानी कि जो राउंडेड रूट वाली प्रोफाइल्स होती हैं, उसके लिए डिफाइन कर दिए। उसका हमें फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि दिस इज़ एन ओवर एस्टिमेट। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक्चुअली मिनिमम डायमीटर है वो एक फ्लैट वाले से जितना कम हो सकता है हमने उतना कम ले लिया। तो जब हम इन द फ्यूचर लेक्चर जब हम स्ट्रेसेस निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वी फाइंड के स्ट्रेसेस का जो एरिया होता है, इट इज़ जो टेंसाइल स्ट्रेस के लिए हम एरिया यूज़ करते हैं, इट इज़ एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ डी आर। तो जितना छोटा डी आर होगा उतना कम एरिया निकलेगा, तो स्ट्रेस उतने हाई प्रेडिक्ट होंगे। तो वी आर ट्राइंग टू ओवर एस्टिमेट आवर स्ट्रेसेस ताकि हमारे डिज़ाइन ओवर डिज़ाइन हो, अंडर डिज़ाइन नहीं हो। दिस विल कम अप। अगर आपको ये वाली बात अभी समझ में नहीं आ रही है तो दैट इज़ नॉट एन इशू हेयर। इस वक्त जो चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना वो ये है कि ज्योमेट्री से जो रिलेशनशिप निकल के आ रही है, इट इज़ दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बुक के अंदर मैंशन नहीं है, बुक के अंदर ये वाला पॉइंट भी मैंशन नहीं है। ठीक है, दिस पॉइंट बुक के अंदर सिर्फ ये मैंशन है। सही। तो ये कैसे आ रहा है? इसके अंदर अगर आप स्टैंडर्ड्स को जाके पढ़ें, और स्टैंडर्ड में यू वुड फाइंड कि दिस इज़ द मैक्सिमम डेप्थ दैट कैन बी प्रोवाइडेड इन अ राउंडेड रूट। ठीक है, तो उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे तो दिस इज द लीस्ट रूट डायामीटर, द स्मॉलेस्ट रूट डायामीटर यू कैन गेट फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ पिच। सही। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग दिस। एक सिंपल सी रिलेशनशिप है, सिंपल ज्योमेट्री से निकाली हुई है। जो हमारे पास एच का फॉर्मूला है, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है, बिकॉज हमें अगली स्लाइड में जब हम डी पी निकालेंगे तब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कमिंग टू डी पी, एग्जैक्टली द सेम थिंग। अब हम लेकिन बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर जहां पे अगर आपके पास डी पी आ रहा है, इफ दिस इज डी पी, कॉलिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल टू मी, इफ दिस इज डी पी एंड दिस इज डी, देन दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली डी माइनस डी पी डिवाइड बाई टू, बिकॉज वी नो कि ये डिस्टेंस दोनों साइड पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने डी माइनस डी पी बाई टू यहाँ पे लिख दी। सही। और अब हमारे स्टैंडर्ड जो प्रोफाइल है उसके अंदर दिस डिस्टेंस डी माइनस डी पी इज एक्चुअली 3h/8, 3h/8 इधर लिख दिया। एच का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता था, पी बाई टू इंटू 1/tan 30, 1/2 दोनों साइड से रिमूव हो गया, यू एंड अप विद दिस रिलेशनशिप। 3/8 tangent 30 को सॉल्व करके यू गेट 0.649519 एंड दिस इज द फॉर्मूला जिसके थ्रू आप किसी भी मेजर डायमीटर और किसी भी पिच के लिए यू कैन फाइंड आउट व्हाट वुड बी द डीपी। सही। अब डीपी इज नॉट जस्ट द एवरेज ऑफ डीपी एंड डीआर, जो हमने पहले बात की थी, वो पिच का फंक्शन निकल के आ रहा है एज वेल एज द मेजर डायमीटर। सही है। तो दीज बिकम इम्पॉर्टेंट वेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व स्ट्रेसेस। तो ये डायमेंशन निकालना एक्चुअली हमारे लिए ज़रूरी होती है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स इन दिस यू कैन आस्क मी। ठीक है, इसको हम एक फोरम, आई एम गोइंग टू अनाउंस अ फोरम, ठीक है, जिसके ऊपर आप लोग अपने क्वेरीज को बहुत आसानी पोस्ट कर सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट हेयर कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, बट इट इज़ गोइंग टू बी मच फास्टर देन अवर LMS। ठीक है, तो हम लोग उसकी बात एक अलग शॉर्ट वीडियो बना लूँगा या फिर मैं लाइव सेशन के अंदर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये अब आपके स्टैंडर्ड्स देमसेल्व्स आ गए। तो इफ़ द स्टैंडर्ड इज़ ISO 262, यू कैन सर्च दिस। आप सर्च करेंगे आपको ये पूरा टेबल नज़र आ जाएगा।
This standards is actually a subset of the standard 261. 261 standard ISO का जो है उस वो भी यही चीजें डिफाइन करता है, बस उसके अंदर देर इज अ लॉट मोर साइजेस अवेलेबल. तो 261 का सबसेट है 262, वो भी कुछ हमारे पास डायमेंशन डिफाइन कर रहा है. अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमें क्या डायमेंशन पता है, हमें सिर्फ मेजर डायमीटर पता है और हमें सिर्फ पिच पता है. हमने ये बात की भी है कि इफ यू नो दीज टू वी कैन फाइंड द रूट डायमीटर एंड वी कैन फाइंड अवर पिच डायमीटर. यू डोंट नीड टू कन्फ्यूज पिच एंड द पिच डायमीटर, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं. सही. अनदर थिंग विच इज़ हेयर एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट इज दिस थिंग हेयर. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दिस इज अ कोर्स पिच और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि दिस इज अ फाइन पिच. और इस वट दिस बेसिकली मीन्स, अगर आप कोई भी केस उठा के देख रहे हो, लेट्स पिक दिस केस फॉर एग्जाम्पल. मेजर डायमीटर इज 12, पिच इज 1.75. दिस इज द कोर्स पिच. फॉर द सेम मेजर डायमीटर एंड अदर बोल्ट इज अवेलेबल जिसकी पिच एक्चुअली 1.25 है, यानी इसकी पिच 1.75 से ज़्यादा फाइन है. और इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, यूजिंग अ फाइनर पिच बोल्ट हैज़ सम एडवांटेजेस, और वो हम एक स्लाइड के अंदर जब हम स्टैंडर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद ये मेंशन कर देते हैं आपको. ठीक है. देर इज एन अदर सीरीज अवेलेबल विच इज़ नोन एज द एक्स्ट्रा फाइन पिच सीरीज, जिसका आपकी बुक के अंदर कोई जिक्र नहीं है. सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू दैट. ठीक है, उसको हम सिर्फ आपको रेफर कर रहे हैं कि देर इज एन इवन फाइनर पिच ऑप्शन अवेलेबल फॉर द सेम मेजर डायमीटर. सही जी. इस टेबल के अंदर यू ऑल्सो हैव टू डिफरेंट एरियाज अवेलेबल. एक टेंसाइल स्ट्रेस एरिया, ये आपको डायरेक्टली मेंशन कर दिया है. तो व्हेन इफ यू आर यूजिंग दिस बोल्ट और मैं आपको बोलूँगा सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड, हाउ मच इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन द बोल्ट, यू कैन डायरेक्टली यूज द टेंसाइल स्ट्रेस एरिया फ्रॉम हेयर. सही है. और टेंसाइल स्ट्रेस एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम द एरिया विच वी कैलकुलेट फ्रॉम द रूट डायमीटर. अपने अब हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी बोल्ट है ठीक है, इसका एक मेजर डायमीटर है पूरा एंड तक, एक इसका माइनर डायमीटर है और एक इसका पिच डायमीटर है. ठीक है, तो दिस इज डी, दिस इज डी आर एंड दिस इज डी बी. सही. तो अब आप हमने जो चीज़ देखनी है, आई थिंक नीड टू फिक्स दिस, दिस इज इट. ओके, तो समवेयर हियर राइट. तो जो माइनर डायमीटर एरिया है दिस जस्ट यूजिंग डी आर, तो दिस इज पाई डी आर स्क्वेयर बाई फोर. सही. जो टेंसाइल स्ट्रेस एरिया है दिस इज नॉट डायरेक्टली डी पी, दिस इज नॉट डायरेक्टली डी आर, दिस इज नॉट डायरेक्टली डी. एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डी आर एंड डी पी. और इसके लिए मैंने अलग से एक स्लाइड इसीलिए डाल दी है बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वान्टिटी जिसको मैंशन करना बहुत ज़रूरी है. बिफोर वी गेट टू दोज थिंग्स, हमें सबसे पहले अपना जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है उसको भी देख लेते हैं. अमेरिकन स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ नहीं करेंगे बट इट इज़ अवेलेबल टू अस. अमेरिकन स्टैंडर्ड के अंदर भी यू हैव अ मेजर डायमीटर बट इंस्टेड ऑफ knowing the pitch you are given the threads per inch. The threads per inch is actually just 1/p. See, so this is simply 1/p. इसका इन्वर्स नहीं है, आपको पिच निकल के आ जाएगी. ठीक. इनके पास भी कोर्स सीरीज है, फाइन सीरीज है और एक एक्स्ट्रा फाइन सीरीज भी है. ठीक है. साइज डेजिग्नेशन इज सिंपली द डायमीटर इन दीज केसेस. यहाँ से नीचे 0.25 is 1/4, 0.4375 is 7/16. तो ऑल द डायमीटर्स आर डिफाइंड, लेकिन बहुत छोटे केसेस के अंदर दे डोंट स्पेसिफाई 0.06 का फ्रैक्शन यहाँ पे. तो इंस्टेड व्हाट दे डू इज दे गिव यू अ गेज नंबर. तो 5 इज नॉट 5 इंचेस, तो दिस इज अ गेज नंबर. 5 गेज का जो भी बोल्ट होता है दैट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.125 इंचेस. सही. उसके साथ आपको थ्रेड्स पर इंच पता है, आप इसका इन्वर्स लेंगे आपको पिच निकल के आ जाएगी. टेंसाइल स्ट्रेस एरिया भी गिवन है, माइनर डायमीटर एरिया भी गिवन है. फॉर द सेम केस फॉर एग्जांपल साइज गेज अगर मैं 12 ले रहा हूँ तो मेरे पास एक केस अवेलेबल है जिसमें 12 to 24 थ्रेड्स पर इंच अवेलेबल है और एक केस अवेलेबल है जिसमें 28 थ्रेड्स पर इंच अवेलेबल. दिस मीन्स कि यू हैव मोर थ्रेड्स पर इंच विच मीन्स यू हैव अ फाइनर पिच. वन जितना बड़ा नंबर होगा 1/p उतना
यानी पिच उतनी कम हो जाएगी, राइट। तो दिस इज एग्जैक्ट सेम टेबल लाइक दिस वन, बट द डायमेंशंस आर इन इंचेस इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द मिलीमीटर, जो कि हमारा आईएसओ स्टैंडर्ड के अंदर यूज होता है। मूविंग ऑन, हम जो बात कर रहे थे, हमारे पास कोर सीरीज है, फाइन सीरीज है, एक्स्ट्रा फाइन सीरीज है। तो जो हमारे पास कन्वेंशनल यूजेज हैं, जितने भी नॉर्मल हमने असम्बली करनी है, एक चीज़ है जो कि फ्रीक्वेंट असम्बल डिसअसम्बल होती है, द फर्स्ट द नॉर्मल थ्रेड दैट वी यूज इज द कोर सीरीज। इफ देर इज अ रीजन टू गो टू फाइनर सीरीज वी गो, अदरवाइज अ कोर सीरीज इज परफेक्टली फाइन। तो हम फाइन सीरीज में और एक्स्ट्रा फाइन सीरीज में कब जाते हैं? वेन वी हैव अ लॉट ऑफ लोड्स, यानी कि वाइब्रेशन है। तो हमारे पास अगर वाइब्रेशन आ जाएंगी, देन इन दैट केस वी वुड यूज अ फाइनर सीरीज, और हम पे शॉक्स भी आ जाएंगे, देन वी वुड यूज द एक्स्ट्रा फाइन सीरीज, सही है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ लोडिंग आर ऑटोमोटिव सिस्टम्स एंड एयरक्राफ्ट एज वेल, सही। तो दिस इज दीज आर द डिफरेंसेस। जैसे जैसे आप कोर्स से फाइन से एक्स्ट्रा फाइन सीरीज के ऊपर जा रहे हैं, यू आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द पिच, ठीक। The final thing that we have is a tensile stress area, or tensile stress area ki the best explanation I have is that this is an experimentally determined quantity. In reality hai kya aapka jo bhi thread system hoga, main ek side draw kar deta hu, ye kisi na kisi jagah ke upar iski ye thread fit hua hoga. To jab aap is system ke upar koi force lagayenge, to what is the area that is applicable jo ke tensile stress nikale, kyunki ye thread aapas mein interact kar rahe hai na, they can slide over each other but they are also holding each other. So experimentally what has been shown is jo ke jo diameter average area nikalne ke liye tensile stress ka area nikalne ke liye use hota hai, that diameter is actually just the average of dp and dr, sahi hai. So this is determined experimentally kyunki the system itself is very complicated to solve. Iske andar contact bhi ho raha hai, iske andar sliding bhi ho rahi hai, और ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा तो कुछ जगह जो है, कुछ जगहों से थ्रेड आपस में कांटेक्ट लूज कर देंगे, कुछ जगहों पे थ्रेड डिफॉर्म होने लगेंगे। तो मैकेनिक्स की एक्सप्लेनेशन आई हैवंट येट फाउंड, इफ़ आई फाइंड समथिंग आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट टू यू। सो दिस एरिया इटसेल्फ इज़ डायरेक्टली अवेलेबल टू अस इन द टेबल, कोई भी हम बोर्ड चूज करेंगे वी वुड बी एबल टू यूज़ द एरिया डायरेक्टली। And this is basically it. I think this is the last slide which I need to cover. Yep. So this is it. If you have any question, post it to me. Main forum ki announcement jo hai LMS ke upar dal deta hu. Basically what I'm trying to do is I'm going to make a Google Classroom. It is an LMS, theek hai, alternate LMS hai, but it is much faster then our university LMS, uski notifications aapko email ke upar achhi receive hongi. There is an app available for your mobile phone that you can post your questions to me. Sari assignments, sari video lectures I'm going to upload there. So hopefully you all will join and work on it. Theek hai, so I'm going to stop here and I'm going to announce what I'm going to do next. Either I'm going to take a video lecture like this one, or I'm going to take an interactive session. Okay, thank you very much.